अस्सलाम वालेकुम। आज जिस परफ्यूम का हम रिव्यू करेंगे वो जी डॉट का एक बहुत ज़्यादा सेल होने वाला परफ्यूम है और उसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आज हम रिव्यू करेंगे जी डॉट मीका का। ये परफ्यूम जी डॉट ने 2014 में या 2012 में लॉन्च किया था, मुझे अभी तक याद नहीं है, मुझे सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन ये 12 में या 2014 में इन्होंने लॉन्च किया था। लेकिन बहुत इन्होंने इस दौरान बहुत परफ्यूम लॉन्च किए और उसको डिसकन्टिन्यू किया, लेकिन ये परफ्यूम अब तक इनका हॉट सेलिंग आइटम में से एक है। एक वसीम अकरम का खुमार और मीका इनका हॉट सेलिंग आर्टिकल है जी डॉट का। अगर हम इसके बॉक्स की बात करें तो ऊपर जो है पीछे सी वेव्स इन्होंने बनाई हुई है, जो कि साफ पता चल रहा है कि ये एक एक्वाटिक फ्रेश परफ्यूम की तरफ हमें इशारा कर रहा है। सामने जे डॉट है, ये परफ्यूम वेरिएंट है उदे परफॉर्म और ये 50 ml की पैकिंग में आता है। ये इस तरह की इस परफ्यूम की बोतल है, इसमें ब्लू कलर का बड़ा खूबसूरत जूस है, मैंने इसको अच्छा खासा इस्तेमाल किया है। ये 50 ml का जूस है, ये पैकिंग है और इसमें तकरीबन मैं अगर कहें तो 20 ml के करीब यूज़ कर चुका हूँ। ऊपर फ्रंट पे ये जो इसकी कैप है वहाँ पे जे डॉट का लोगो बना हुआ है। कैप अच्छी खासी हैवी कैप है, वेट है, मेटल की कैप है, ये प्लास्टिक की आम कैप नहीं है, मेटल की कैप है। अच्छा, जे डॉट ने यहाँ पे अपने ऑटोमाइजर पे भी बहुत अच्छा इसका जो है ना वो लोगो बनाया हुआ है, जो बहुत अच्छा लगता है कि कंपनी अगर अटेंशन टू डिटेल देती हैं। ये इसकी खूबसूरत सा बड़ा छोटा सा इसका ना परफ्यूम का ये एक पैकेज है। ये परफ्यूम मुझे जे डॉट से 2500 रुपये में, अराउंड 2500 में पड़ा, 3000 का परफ्यूम था, सेल लगी थी तो मैंने ये 2500 रुपये का मुझे ये परफ्यूम पड़ा। अच्छा, जे डॉट इसके नोट्स के बारे में कुछ खास नहीं कहता, सिर्फ ये कहता है फ्रेगरेंस एंड एक्वाटिक फ्रेश वाटर। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो परफ्यूम है ये क्लोन है डोल्ची एंड गबाना लाइट ब्लू इंटेंस मैन का। हाँ, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ मिलेगी, चूँकि ये क्लोन है इसमें इतनी डेप्थ नहीं मिलेगी। वो तकरीबन 18,500 का परफ्यूम है पाकिस्तानी मार्केट में, ये परफ्यूम उसका क्लोन है, उस जैसी आपको फील ज़रूर करवाता है लेकिन ये उस जैसा परफ्यूम नहीं है, और 2500 रुपये में ये एक अच्छा आपको एक फील करा देता है। इसको अगर हम देखें तो इसको जब आप स्मेल करते हैं, सबसे पहले मैं इसके ऑटोमाइजर की बात करता हूँ। इसका ऑटोमाइजर अच्छा ऑटोमाइजर है, अच्छा मिस क्रिएट करता है, या आप कह सकते हैं कि एक जो है अबव एवरेज इसका ऑटोमाइजर है। लगाते साथ ही आपको फ्रेश पेपरी और एक्वाटिक सी खुशबू आती है। ये मुझे हाँ डोल्ची एंड गबाना लाइट ब्लू इंटेंस मैन जो है वो अपने नोट्स शिफ्ट करता रहता है और बहुत ज़्यादा उसकी लास्टिंग है। इस परफ्यूम की लास्टिंग भी अच्छी खासी है, 6 से 7 घंटे के करीब ये लास्ट कर जाता है, लेकिन ये टोटली मुझे लीनियर लगता है। शुरू में आप जब आप लगाते हैं आपको एक्वाटिक सी नोट्स के साथ थोड़ी सी पेपर आती है, लेकिन वो बाद में टोटली सी नोट्स में की तरफ शिफ्ट हो जाता है और फिर सी नोट्स ही चलते हैं, तो इस वजह से मैं इसको लीनियर फ्रेगनेंस के तौर पर कह रहा हूँ। और अगर हम इसके प्रोजेक्शन की बात करें तो ये अच्छा खासा प्रोजेक्ट करता है, 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत प्यारा प्रोजेक्ट करता है। 6 to 7 hours के करीब इसकी लास्टिंग है। सयाज इसका एवरेज है, अच्छा सयाज है, और जेंडर इसका जो है बहुत मेल फीमेल दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये मैस्कुलन हो, ये यूनिसेक्स फ्रेगनेंस है, मेल फीमेल दोनों अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर सीज़न की बात करूँ तो ये सिर्फ समर फ्रेगनेंस है और समर में ही आपको लगानी चाहिए, विंटर्स में आपको ये बहुत ज़्यादा तंग करेगी, परेशान। डोल्ची एंड गबाना लाइट ब्लू इंटेंस मैन में उसका क्लेम किया जाता है कि उसमें एगी स्मेल आती है, इसमें भी कुछ हद तक एगी स्मेल ज़रूर मौजूद है जो जाके 1 घंटे के बाद से महसूस होती है, लेकिन इतना इरिटेट नहीं करती। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जी 2500 रुपये के लिहाज से ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे। जे डॉट वैसे ही पाकिस्तान में हम पाकिस्तानी उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मेरी जे डॉट से भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली क्लोन्स बनाने की बजाय ओरिजिनलिटी की तरफ अगर आएंगे तो हम और ज़्यादा प्यार करेंगे और हम फ़ख्र के साथ बता पाएंगे कि ये पाकिस्तान का ब्रांड है और ये एक अच्छी परफ्यूम इन्होंने दी है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मज़ीद किस परफ्यूम का रिव्यू देखना चाहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।